दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन या कहा जाए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2024 की चल रही है, लेकिन लगातार कुछ कमेंट आपके बन रहे हैं। प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हम आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। कल शाम को आपके बीच में जब मैंने वीडियो प्रोवाइड किया कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दी गई है, यानी अभी आपके आवेदन ग्रेजुएशन के तौर पर हो रहे हैं, लेकिन आपके आवेदन प्रक्रिया में यानी क्वालिफिकेशन में बड़ा बदलाव करके आपकी जो योग्यता है वो 12वीं की गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनको इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसकी सच्चाई हम आपके बीच में बताने वाले हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं मेरे दोस्त कि जितनी फैक्ट सूचनाएं हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं उतना कोई देता नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अभी वो पीडीएफ भी आपके पास नहीं होगा, कुछ लोगों के पास भी होगा मुझे पता है, लेकिन अधिकतर लोगों के पास अभी पीडीएफ नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने पीडीएफ के माध्यम से आपके डाउट्स को क्लियर किया, हर चीज के बारे में मैंने आपको बताया, फिर भी आपके कुछ कमेंट बन रहे हैं। जैसा कि यहां थंबनेल देख सकते हैं, यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। फैसला क्या है कि 12वीं पास आपकी अपने यहां से यानी यूपी से डीएलएड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 12वीं पास, हालांकि आवेदन की प्रक्रिया पहले से ऑलरेडी चल रही है, तो आप कह रहे थे कि भैया क्या बीच में ये प्रक्रिया, ये शेड्यूल क्या चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। देखिए जो है 12वीं पास करेंगे यूपी डीएलएड, विभाग देगा कोर्ट के फैसले को चुनौती। बड़ी चीज यह है कि अभी तक आपको पता है आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों ने आवेदन कर दिया होगा, है ना। अब कोई चीज अगर कोई खेला चल रहा है तो बीच में उसके नए नियम कानून तो बनाए जाने पॉसिबल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि भाई नियम के विरुद्ध होगा। तो क्या ये फैसला जो है अब की बार हमारा प्रभावी होगा या नहीं होगा, ठीक है। विभाग जो है, यानी विभाग का मतलब यह है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा जो है कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी चल रही है। मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैं विदाउट प्रूफ आपके बीच में दोस्त नहीं उपस्थित होता है ना, और लोगों की तरह नहीं है कि चलिए हमने थंबनेल बनाया फटाक से एक वीडियो बनाकर दे दिया, ये काम मेरा नहीं है, है ना। आगे देखिए इस पर हम बात करेंगे, वेबसाइट अपडेट कब होगी। आप लगातार पूछ रहे हैं कि अगर 12वीं पास हो गया है तो भैया वेबसाइट काहे नहीं अपडेट हो रही है ना। लेकिन आपको इसके बारे में मेरे दोस्त नॉलेज नहीं है, वेबसाइट कैसे अपडेट की जाती है, ठीक है। वेबसाइट अपडेट करने के पीछे क्या रीजन है, क्या वेबसाइट अपडेट होगी, क्या 12वीं अब की बार हमारे यहाँ एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, है ना। आगे देखिएगा, आवेदन, क्या आवेदन निरस्त होगा, ये तो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है यार। जितने लोगों ने, जब मैंने शाम को 12वीं पास का वीडियो प्रोवाइड किया तो आप लगातार हमसे पूछने लगे भैया क्या ये जो आवेदन कर दिए गए हैं ये निरस्त होंगे या नहीं होंगे, है ना। बिल्कुल इस पर हम बात करेंगे। आगे देख सकते हैं प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन की क्या है मंशा, आवेदन करें या ना करें, ठीक है। अब जब से 12वीं हुआ है जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उनका तो ठीक है ना, बाकी जो लोग आवेदन नहीं किए हैं वो लगातार हमसे पूछ रहे हैं भैया क्या आवेदन करें कि ना करें, रुक जाए, हो सकता है 12वीं हो जाए, ठीक है। समस्या तो इस बात की है कि लोगों के पास जो मार्क है, ठीक है, ग्रेजुएशन में 50% की मार्क की गई है, ठीक है। अगर आपका 50% है तो आप आवेदन कर पाएंगे, हालांकि इंटर में भी 50% ही है ना, लेकिन ग्रेजुएशन में लोगों के 50% कम, इंटर में ठीक ठाक नंबर है, ठीक है। तो वो लोग लगातार पूछ रहे हैं कि अगर हाई इंटर के आधार पर हो जाता तो हम लोग भी आवेदन कर देते, क्या इस बार होगा या नहीं होगा, आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो चलिए हम फाइनली एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से क्या हर वीडियो में आपके लिए सारी जानकारी फैक्ट में प्रोवाइड करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है। अगर कोई इतनी बेहतरीन वीडियो आपको दे देगा तो आप चैनल पर विजिट मत करिएगा, ठीक भैया, लेकिन इतनी अच्छी जानकारी आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। चलिए बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए हम आपके बीच में कुछ मुद्दों पर आना चाहेंगे। जैसा कि यहाँ पेपर कटिंग आप देख सकते हैं आपके बीच में स्पष्ट तरीके से लगा हुआ है, सबसे ऊपर कहा जा रहा है डीएलएड 12वीं पास को मौका तो भर सकेगी सीटें, ठीक है। अच्छा ये क्यों किया गया, अभी हम आपको आगे भी आपसे बताते हैं, क्योंकि आपको पता है 12वीं पास हम लोगों के यहाँ नहीं, ग्रेजुएशन के और जो स्टेट है वहां पर जो इनकी क्वालिफिकेशन है वो जो है 12वीं रखी गई है,
लेकिन अपने यूपी में ही सिर्फ जो है इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन रखा गया था और स्टेट में 12वीं रखी गई है, ठीक है। तो उसी चीज को लेकर कहा जा रहा है हाई कोर्ट के आदेश पर यदि डीएलएड के प्रवेश की न्यूनतम अर्हता एंटर पास होती तो सभी सीटें भरने की उम्मीद बढ़ जाएंगे। 6 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रति रुझान कम हुआ है। यही कारण है कि पिछले साल बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अनहर करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में डीएलएड की 71,000 या 70,000 सीटें खाली रह गई, जबकि डीएलएड पाठ्यक्रम चल रहे कॉलेजों के प्रबंधकों को सीट फुल होने की उम्मीद थी, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि पिछले साल प्रदेश के 67 जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट के 10,600 सीटें, आप सीटों का भी विवरण आप देख लीजिएगा, है ना। और आगे 2,974 निजी डीएलएड कॉलेजों के 2,22,750 सीटें यानी कुल मिलाकर 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 1,63,000 ठीक है, इनमें से 1,63,000 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लिया था। यही कारण है कि जो है इस साल दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो है को भी प्रवेश में मौका दिया गया है ताकि सीटें खाली न रह जाएं। डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2024-25 सत्र के लिए 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू है और अभ्यर्थी को 9 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ कहा जा रहा है हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा विभाग। डीएलएड में 12वीं पास अभ्यर्थियों को प्रवेश के अवसर दिए जाने के कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है बेसिक शिक्षा विभाग या स्पेशल अपील की तैयारी शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने हाई कोर्ट के आदेश जो है देखने के बाद जो है विधिक राय लेनी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार इस फैसले के खिलाफ जल्द ही विभाग अपने ओर से अपील की जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपने इन चीजों को देख लिया। अब हमसे आप जरूर ये पूछना चाहेंगे, ठीक है, कि क्या जो विभाग किस चीज को चुनौती देगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि क्या इस बार ये नियम लागू होगा। देखिए, इस बार नियम सिर्फ जितने इसमें 9-10 लोग याची बने हुए थे, ठीक है, उनके ऊपर ये लागू होगा, है ना। अभी ऑफिशियल लेटर हम आपको दिखाते तो वहां भी आपको क्लियर होता, बट छोड़िए, वो मैंने आपको दिखाया, आप देख लीजिएगा, है ना। ये अब की बार भैया फैसला लागू होने के चांसेस नहीं कहे जा रहे, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां मैंने लिखा है जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है, ठीक भैया, जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है, इनकी जो डिमांड है, इनकी तो प्रबल इच्छाएं हैं कि 12वीं पास अब की बार ही लागू कर दिया जाए। लेकिन यार, कोई नया नियम कानून बनाने में थोड़ा सा समय लगता है ना, तो ये अब की बार चांसेस नहीं बन रहे हैं, ठीक है। बाकी लगातार ये प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन ये अपने स्तर से प्रयास आज भी कर रहे हैं, ठीक है। आज करने का मतलब जब से फैसला आया है तब से ये लगातार प्रयास रहते हैं कि चलिए जो है इनकी बातें हो रही है लगातार, है ना। इनके सोच है कि अब की बार से इस फैसले को लागू किया जाए ताकि सीटें हमारे कॉलेज की अब की से ही भरने शुरू हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल लग नहीं रहा है। हालांकि हम लोग भी आज पीएनपी विजिट करेंगे, वहां से जो भी सूचनाएं होंगी आपको चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक भैया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आवेदन करें या ना करें। देखिए, हम आवेदन के लिए आपको मना नहीं करेंगे दोस्त, आप आवेदन जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि भाई आप हो सकता है इंटरमीडिएट के आधार पर आवेदन करना चाहें, तो हो सकता है भाई आपकी बार अगर इनके नियम कानून में परिवर्तन नहीं होता, ग्रेजुएशन ही रहती है, तब तो मामला आपका फंस जाएगा, है ना। इस वजह से आवेदन आप जरूर करिए, आवेदन ऐसा ना करें कि हम आवेदन ही ना करें। भाई आप आवेदन नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन दोस्त हो नहीं पाएगा, ठीक है। इस वजह से आप आवेदन करने में बिल्कुल चौंकिए मत, ठीक है। अब देखिए, आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए, आवेदन की डेट जहां तक बढ़ने के सवाल है, ठीक है, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। हालांकि वेबसाइट आपकी नहीं चल रही है, आवेदन के हिसाब से जो है चीजें कंफर्म होंगे। जब तक एक आंकड़ा हम लोगों के पास नहीं आ जाता या पीएनपी जब तक आंकड़ा नहीं जारी कर देते कि टोटल कितने आवेदन आए हैं कितने नहीं आए हैं, तब तक इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि आवेदन की डेट बढ़ेगी, ठीक है। वैसे हर बार का ये इनका रिकॉर्ड है कि 1 से 2 बार डेट को बढ़ाते हैं, लेकिन अब की बार इसलिए कंफर्म नहीं बताया जा सकता क्योंकि भैया आपको पता है सत्र इनका काफी विलंब से चल रहा है, है ना। सत्र विलंब होने की वजह से डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी यह तो आने वाला वक्त तय करेगा, है ना। लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा, आप डेट बढ़े या ना बढ़े, बढ़ती है तो भी ठीक है, नहीं बढ़ती है तो भी ठीक है, आप डेट बढ़ने के पहले आवेदन कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बिना आवेदन का आपका एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। आवेदन एडमिशन तो होगा आपका, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने माइनॉरिटी कॉलेज के सारे फीचर्स को आपको बताए हैं कि फीस वगैरह उनकी कैसे क्या होती है। इस वजह से आप बिना विलंब किए आवेदन आज ही आप कर दीजिए, ठीक है। अगर आप भाई वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ये मना ही नहीं है कि आप आवेदन मत करिए, डेट आपकी बढ़ेगी, ठीक है।
बाकी बड़ी समस्या ये है कि मार्कशीट नंबर वगैरह में सीजीपीए और एसजीपीए को लेकर तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सीजीपीए और एसजीपीए तमाम यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, जैसे एक लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, हालांकि मैं अधिकतर यूनिवर्सिटी की बातों को क्लियर कर दिया हूं, ठीक है। उन्होंने टोटल अपने 100 नंबर में परीक्षा कराई है, यानी एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का हो रहा है, आप उसी हिसाब से भैया जोड़ लीजिए, ठीक है, आप उसी हिसाब से जोड़ लीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप जोड़ क्यों नहीं रहे मुझे बताइए, क्या दिक्कत है आपको? ऊपर दिया गया है 100 में आपको 33 नंबर पाने की जरूरत है, आप मिलान करिए अपने मार्कशीट में, सारी चीजें आपको खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से भैया आप जोड़ लीजिए, ठीक है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। और एक पूछ रहे थे क्या टोटल जो 6-7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट है उनके हम नंबर को ऐड करेंगे या हॉनर्स वगैरह, ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऐड करना है, ठीक है, ये कंफर्म चीज मैं बता रहा हूं, आपको टोटल नंबर ऐड करना है, उसमें छोड़ना उड़ना कुछ भी नहीं है, मेजर माइनर जो भी है आप सब कुछ ऐड कर लीजिए, ठीक है। बाकी सीजीपीए और एसजीपीए की जो समस्या है परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, 9.5 से, ठीक है, आपका जो भी सीजीपीए, जैसे हम मानते हैं कि 7.2 आपका सीजीपीए बन रहा है, तो आपको 9.5 से गुणा करना है, जो आपका आएगा वही आपका परसेंटेज होगा, ठीक भैया, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, बाकी अगर आपको दिक्कत है तो मैं नंबर आपको दे रहा हूं, नंबर यहां नोट कर लीजिएगा, ठीक है, चलिएगा, नंबर नोट करिएगा 94-52-33-10-53। आप इस नंबर पर अपनी मार्कशीट मुझे भेज सकते हैं फोटो, ठीक है, पीडीएफ मत भेजिएगा भैया, पीडीएफ भेजेंगे तो थोड़ा सा रिप्लाई कम मिलता है ना, चूंकि पीडीएफ आप ढेर सारे पीडीएफ ही फोन में हो गए तो बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, तो इस वजह से आप पीडीएफ को ही भेजिएगा, ठीक है, सॉरी अपने फोटो को ही भेजिएगा मार्कशीट की, मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई हम दे दें, ठीक है। अब देखिए लोग जो कह रहे हैं कि क्या वेबसाइट अपडेट होगी, भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, फैसला तो इनका आ चुका है, ये अब अडिग है, ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं होगा, यह 100% क्लियर है। लेकिन जहां तक आप वेबसाइट अपडेट की बात कर रहे थे, वेबसाइट अपडेट का जहां तक सवाल है, आज ये क्लियर होगा। हालांकि कोई भी चीजें होती हैं, पहले से जो चीजें चल रही हैं उसमें नया परिवर्तन नहीं हो सकता, है ना, लेकिन अब सरकार का जो फैसला है परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चांसेस है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लोग जब उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि अभी जब तक वेबसाइट चेंज नहीं होगी तब तक हम मानेंगे नहीं, मत मानिए यार, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो चीजें सही है वो जेन्युइन है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक भैया, बाकी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। वेबसाइट अपडेट का जहां तक सवाल है, अगर कोई सूचना है, आज परीक्षा निवारक प्राधिकारी से हम लोगों को मिलती है तो बिल्कुल हम चैनल पर आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी वेबसाइट अभी अपडेट नहीं होगी, ठीक है, अगर अपडेट होना होगा तो देखा जाएगा, ठीक है, आप कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर देख लीजिए, वहां आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या आवेदन निरस्त होगा, कहे आवेदन आपका निरस्त होगा, आवेदन निरस्त नहीं होगा, अगर कुछ परिवर्तन होता है, अब की बार से आपके नियम लागू होते हैं तो हो सकता है कि कुछ जो आवेदन हो चुके हैं उनमें कुछ परिवर्तन करके जैसे है वैसे कर दिया जाए, लेकिन अभी पॉसिबल लग नहीं रहा है, ठीक है, तो इस वजह से लगातार हम लोग सूचनाओं को एकत्र कर रहे हैं भैया, ठीक है। आप तो एक जगह बैठे हैं, वीडियो आपको मिल जा रहा है, सारी जानकारी आपको मिल जा रही है, लेकिन हम लोगों से पूछिए कितना अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी है यार ग्रेजुएशन में उनके 50% नहीं हो पाए हैं, है ना, तो समस्या इस बात की है कि भैया आप तो लगता है हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा, हम टीचर नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप जो है कोर्ट जो हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर विजिट करिए, जो 12वें पास का जो फैसला आया है आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा, पीडीएफ आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अपने स्तर से भी आप प्रयास करते हैं, जो भी होगा हम चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। रही बात विभाग चुनौती किस चीज को देगा, तो चुनौती यही देगा कि जो 12वीं पास है, ठीक है, ये अब की बार जहां तक लागू करने के सवाल है उसी चीज को ये चुनौती देंगे, ठीक है, कि अब की बार जैसे प्रक्रिया चल रही है वैसे चलती रहे, हम इसे अगली बार से लागू करेंगे, ठीक है भाई। अगली बार से लागू करने का मतलब ये है अब परिवर्तन करना, सत्र काफी विलंब 2025 भी आ जाएगा तब जाके कहीं इनका सत्र चालू होगा, ठीक है। तो इस वजह से उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। बाकी यहां देखिए कुछ चीजें यहां भी सेम वही चीजें हैं, नोटिफिकेशन दोबारा आएगा, देखिए नोटिफिकेशन का जहां तक सवाल है अभी आप आगे की जो भी चीजें होंगी हम बताएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन का अभी कुछ पूरी अपडेट नहीं मिली हुई है ना। हम आपको आज जो पीएनपी जो लोग जा रहे हैं वहां से चीजें क्लियर होंगी, तत्काल हम चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक भैया। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। बाकी आपके जो भी डाउट्स बन रहे हैं, जो भी कंफ्यूजन्स बन रहे हैं, आप अपने स्तर से मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई
देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।